धमाके की खबर आई थी जिसमें जख्मी हुए थे साबिक सूबाई वजीर PK99 के PTI के नामजद उम्मीदवार सरदार इकरामुल्लाह खान गंडापुर। और इस वक्त ये अफसोसनाक खबर सामने आ रही है कि CMH अस्पताल में जख्मों की ताब थ्रेड भी थे, लेकिन उनका ये कहना था कि उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही थी, सिक्योरिटी पुलिस की बहुत कम थी। और उनका ये उन्होंने ये भी बताया है कि हाईकोर्ट की तरफ से बाकायदा ऑर्डर थे कि इनको सिक्योरिटी में इजाफा किया जाए, लेकिन पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी में कोई इजाफा नहीं किया गया। और आज जो ये कुछ धमाका हुआ है कुलाची के एरिए नूरी दरबार के करीब हुआ है, नूरी दरबार के करीब खुदकुश हमलावर इनकी गाड़ी के ऊपर जंप लगाया जिसमें वो जोरदार धमाके से फट गया, जिसमें ये 5 अफराद शदीद जख्मी हुए थे जिसमें सरदार इकरामुल्लाह खान और उनके ड्राइवर भी शामिल थे। लेकिन सरदार इकरामुल्लाह खान खानदानी जराए और अस्पताल जराए ने तस्दीक कर दिया है कि वो शहीद हो चुके हैं। जी ठीक है, सिबहतुल्लाह बुगल बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। अफसोसनाक वाकया पेश आया, इससे पहले बनू में भी एक MMA के जो इस वक्त कैंडिडेट हैं अकरम दुरानी पर, और इस हवाले से भी खबरें सामने आई थी। पैदर पे ये तीसरा चौथा हमला अब तक हो चुका है, इस हवाले से आपको मजीद आगाह रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट का, लगातार की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे, मजीद तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। देखते रहिए बोल न्यूज़।